أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. की न कितना यार ने एक यार वास्ते, की न कितना यार ने एक यार वास्ते, रब महफिला सजाइया ने सरकार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। दिल याद ले बनाया है तारीफ ले जुबान, दिल याद ले मनाया है तारीफ ले जुबान। अखियां बड़िया सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. आपका नाम भाई? ये तैयब शहजाद। स्कूल का नाम? कलम निसा स्कूल सिस्टम सुहान इस्लामाबाद। कितना अच्छा हो गया इस अदारे को? हमारे इस ब्रांच को जो है वो एक साल हो गया है, और हमारी एक जो मेन ब्रांच है उसको 7 साल हो गया। तो मेरे भाई किस तरह शौक हुआ इस इलाके में? स्कूल तो बहुत हैं इस इलाके में, स्कूल तो बहुत हैं लेकिन क्वालिटी जो है ना वो बहुत कम है। तो ये एक इस्लामाबाद का देहात है, तो बैकवर्ड एरियाज़ में जो है इसको कंसिडर किया जाता है। लो क्लास लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे इदारों में जो है वो फ़ीस नहीं पे कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का तो इस एरिया में जो है वो है ही नहीं है। स्कूल एक प्राइमरी है बॉयज़ का, और गर्ल्स का जो है वो मिडिल लेवल तक है। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इस एरिया में बहुत कम थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल किया, उसके बाद ये जो है ना डिसाइड किया कि अब जो एजुकेशन हासिल की है उसको जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके बच्चों तक जो है वो इसको ट्रांसफ़र किया जाए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया की जाए, ताकि हमारी कौम जो है ना वो तरक्की कर सके, और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करके जो है वो बच्चे आगे बढ़ें और वो कौम की तरक्की में जो है वो किरदार अदा करें। बच्चों के वालदैन को शऊर है? गायब गायब आती हैं आपके पास? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस एरिया का कि वालदैन को बहुत कम शऊर है, उनको बहुत पुश करना पड़ता है पेरेंट्स मीटिंग के लिए। पीटीएम्स जब भी हम बुलाते हैं
तो उसमें बहुत मुश्किल से जो है वो लोगों को जो है वो बुलाना पड़ता है। अक्सर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो पेरेंट्स की नहीं आती, फिर हमने सेकंड कॉल्स में जो है वो बुलाते हैं, तो इस तरह फिर उनको जो है वो अवेयरनेस देते हैं और बच्चों के जो एजुकेशन है उस हवाले से भी उनको मोटिवेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ दे जस्ट कंसिडर के उनका काम सिर्फ इतना है कि वो बस बच्चों को स्कूल भेजना, अदरवाइज़ अदर देन उनको कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये इस हवाले से भी जो है वो पेरेंट्स को बार बार जो है वो कॉल करके उनको जो है वो बुलाना पड़ता है और उनको ये गाइड करना पड़ता है कि स्कूल भेजने के अलावा भी बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से पेरेंट्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी होती हैं। तो कहाँ तक स्कूल है माशाल्लाह? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक है। तो पहली ब्रांच आपकी? जी मैट्रिक तक है। मेरे भाई ये बताएं कि सबका लॉकडाउन में क्या नुकसान हुए हैं, खासकर प्राइवेट स्कूलों के? जी लॉकडाउन में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं जी। देखिए बिल्डिंग रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो, क्योंकि जितने भी बिल्डिंग मालकान हैं उन्होंने किसी भी हवाले से जो है वो तावन नहीं किया किसी भी स्कूल के साथ। फिर अब चूँकि स्टाफ जो है वो आपको पता है उसका भी जो है वो ज़रिया माश है वो यही होता है कि वो यहाँ पे जब जॉब कर रहे हैं, अगर हम उनको भी कहें जी कि हम आपको कुछ भी नहीं पे कर सकते तो डेफिनेटली उनको एक लॉस तो होगा ही, लेकिन वो फिर डिसहर्ट भी होंगे कि हम जो है वो एक ऐसे पेशे से जो है वो में मुलव्वस हैं, ऐसे पेशे से हमारा तल्लक है कि जो कि एक बहुत अच्छा पेशा है लेकिन हमें इसका जो है वो रिगार्ड जो है वो नहीं मिल रहा। तो फिर उनकी सैलरीज जो है वो भी उनको मुहैया करना वो भी हमारी ज़िम्मेदारी थी। तो ये अब पेरेंट्स की तरफ से देखा जाए तो वो भी अपनी जगह जो है वो अक्सर लोग जो हैं वो मजबूर भी हैं, क्योंकि आपको पता है जो इस लॉकडाउन के दौरान जितना भी प्राइवेट जो तबका है उसको वो भी जो है ना बेरोज़गार ही थे तकरीबन, क्योंकि हर सब कुछ तो बंद था लॉकडाउन में। जो मज़दूर तबका है मज़दूरी नहीं थी उनके पास, तो वो भी अपनी जगह उनकी भी मजबूरियां हैं कि वो ड्यूज़ वगैरह नहीं पे कर सके, लेकिन अब हमें भी जो है वो ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिली ना बिल्डिंग मालकान की तरफ से कोई हेल्प मिली, और स्टाफ का तो जैसे मैंने आपको बताया उनको तो ज़ाहिर है उनका भी जब ज़रिया माश यही है तो उनको भी हमें हेल्प करना जो है वो ज़रूरी था। तो ये सारा कुछ जब करना पड़ा हमें तो ये फिर ज़ाहिर है जब ड्यूज़ रिकवर नहीं हुए पेरेंट्स की तरफ से तो फिर ये सारा कुछ हमें अपनी तरफ से ही जो है वो बेयर करना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस रहा है। और ये तकरीबन मोस्टली जो है ये स्कूल्स को जो है ये लॉस बेयर करना पड़ा इस लॉकडाउन के दौरान। अच्छा मेरे भाई ये बताएं कि क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को? जी गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए था कि एटलीस्ट वो प्राइवेट जो सेक्टर है, चूँकि ये गवर्नमेंट की हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस इलाके में जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो जस्ट दो स्कूल्स हैं, एक प्राइमरी लेवल तक है बॉयज़ का और एक मिडिल लेवल तक है गर्ल्स का। तो इसके अलावा इस एरिया के ही बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी सारे जो है वो प्राइवेट स्कूल्स यहाँ मौजूद हैं, जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए जो है वो बाजू बने हुए हैं कि बच्चों को जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये स्कूल्स वालों को जो है वो फैसिलिटेट करें कि उनको बिल्डिंग रेंट्स जो है वो और जो स्टाफ की सैलरी है एटलीस्ट ये दो चीज़ें जो हैं इनके साथ इनके हवाले से गवर्नमेंट को जो है वो हेल्प आउट करना चाहिए था प्राइवेट स्कूल्स के साथ। अच्छा मेरे भाई ये जो पांचवी लहर आई है ओमिक्रॉन की, खुदा न खासा अगर फिर स्कूल बंद हो जाते हैं तो क्या सिचुएशन होगी? देखें ये तो हमारी तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि बंद करना जो है वो कोई भी हल नहीं है। बंद करने से एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हमारा स्कूल मालकान को तो जो लॉस हुआ है लेकिन जो ओवरऑल एज ए नेशन जो एजुकेशन का जो लॉस हुआ है ना वो लॉस जो है वो कभी भी उसको जो है वो रिकवर नहीं कर सकेंगे हम लोग, क्योंकि इस दौरान बच्चे जो हैं एजुकेशन से बिल्कुल जो है वो हट चुके हैं, उनको दोबारा जो है वो ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारी जो है वो मेहनत करनी पड़ रही है हमें, बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चे बिल्कुल ऐसे ब्लैंक हो गए हैं, जैसे बच्चे जब लॉकडाउन के बाद वापस आए हैं तो वो ऐसे आए हैं कि जैसे वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे, उन्होंने कभी कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं था। वो पढ़ना अक्सर बच्चे जो ख़ास तौर पे जो बेसिक एजुकेशन वाले हैं प्राइमरी लेवल तक के जो बच्चे हैं वो तो उनमें से तो ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना भी जो है वो भूल गए हैं।
कि और फिर इसके अलावा ओवरऑल हमारी सोसाइटी में एक बड़ा जो है वो इस चीज़ का इम्पेक्ट पड़ा है कि बच्चे जो हैं वो घर में रह रह के या बाहर इस तरह खेल कूद के वो जो है वो बदतमीज़ी का एलिमेंट जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो आ गया, और ये कंप्लेंट्स जो है वो घरों से भी लोगों की आ रही हैं। पेरेंट्स भी जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे बच्चे एजुकेशन में तो पीछे रह गए हैं, लेकिन इसके अलावा उनका जो एक सोशल एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है, उसमें बहुत जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, इस लॉस को रिकवर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो अगर खुदा न खास्ता दोबारा अगर ऐसा किया जाए कि दोबारा जो है वो लॉकडाउन करके जो है वो स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, तो ये बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि हमें जो है वो ये बंद कर देना, बच्चों को बिल्कुल स्कूलों से दूर कर देना, ये इसका हल नहीं है। हमें इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो देखना चाहिए ताकि एजुकेशन जो है वो चलती रहे, क्योंकि एजुकेशन के बगैर जो है वो फिर हमारी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। बच्चों के वालदैन को कोई पैगाम दें अपने स्कूल की तरफ से। जी, मैं वालदैन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो एक बच्चे को जो है वो एजुकेट करने के लिए जो है वो एक ट्राइंगल होती है, उस ट्राइंगल में पेरेंट्स भी जो है वो एक हिस्सा है, पेरेंट्स, टीचर और स्कूल, तो और स्टूडेंट खुद, तो ये तीनों जो है वो जब मिलते हैं तो फिर जो है वो एक ट्राइंगल कंप्लीट होती है और एक एजुकेशन का जो सिस्टम है वो मरतब होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको जब भी पीटीएम्स में कॉल की जाए तो वो लाजमी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया करें, और इसके अलावा जो गाइड किया जाए बच्चों के हवाले से उस पर भी जो है वो अमल किया करें, और बच्चों को सिर्फ स्कूल भेज देना ही उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बच्चे की हर हवाले से निगरानी करना, हर हवाले से टीचर्स के साथ जो है वो डिस्कशन करना, बच्चे की बिहेवियर की, बच्चे की एजुकेशन की, बच्चे के घर में क्या उसका रवैया है, घर में क्या उसका तर्ज़ अमल है, उस हवाले से भी टीचर्स के साथ डिस्कस करना। इस तरह से बच्चों में जो है वो एक जो है वो जो तरबियत है उनकी वो बहुत बेहतर होती है, और एजुकेशन में भी जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। थैंक यू सर।